चैनल, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन बेल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल का चीला। यह चीला जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में या फिर आप बच्चों के टिफ़िन में या आप इसको टी टाइम पर भी बनाकर खा सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मूंग दाल चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पीली मूंग दाल। इसको मैंने 5 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये दाल फूल चुकी है, मैंने यह दाल का पानी निकाल दिया है और दाल को हमने यहाँ मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लिया है। अभी हम दाल में थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद हमें दाल को हल्का सा दरदरा रहने तक पीस लेना है। दाल जो है पिस चुकी है, हमें इस दाल के बैटर को जो है डोसा के बैटर की तरह ही तैयार करना है। आप देख सकते हैं दाल को पीसने के बाद मैंने एक बड़े से बोल में निकाल लिया है और हमने इसे डोसा के बैटर की तरह ही तैयार किया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अरारोट। अरारोट डालने से चीला जो है तवा पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। चीला की स्टफिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियां तैयार की हैं। 1 कप ग्रेट किया हुआ पनीर, 1 चम्मच अदरक, 1 कटा हुआ प्याज, 1 कटा हुआ टमाटर, बॉईल किए हुए मटर के दाने, 1 ग्रेट की हुई गाजर। सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करने रखेंगे और मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। अदरक को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है, हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 गाजर जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से चला देंगे और हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हम हल्का गलने तक ही पकाएंगे। टमाटर जो है अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए मटर के दाने और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर और इसे हम स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम यहाँ तवा को गर्म करने रखेंगे और 1 चम्मच ऑयल डालकर हम इसे स्पून से अच्छे से फैला देंगे। मैंने यह नॉन स्टिक का तवा लिया है, आप चाहें तो इसे नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ स्पून से 3 चम्मच बैटर को तवे पर डालेंगे और हम इसे स्पून से धीरे धीरे इस तरीके से फैला देंगे। बैटर जो है अच्छे से फैल चुका है, हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और जब तक चीला की ऊपरी लेयर ड्राई ना हो जाए हम इसे सिकने देंगे और हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। अब हम एक करछी से पहले हम इसके किनारों को अलग कर देंगे और हम इसे पलट लेंगे। चीला जो है सिक चुका है, अब हमने इसे दूसरी तरफ से भी पलट कर देख लिया है, ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिक गया है। अब हम इस पर फैलाएंगे स्टफिंग जो हमने पहले से तैयार की है। हमें इस तरीके से स्टफिंग को फैला देना है और हम इसे करछी से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और हम बाकी के चीला को इसी तरीके से सेक लेंगे। चीला जो है बनकर तैयार हो गया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे
लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.